हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ साइबेरिया OS हमारे डिवाइस रेडमी 7A के लिए। इसको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले फ्लैश किया है, तो मैंने देखा है इसमें क्या क्या है। रोम काफ़ी अच्छी है, तो इसका मैं रिव्यू करूँगा आज। तो आज सबसे पहले इसके ऊपर की क्विक टाइल्स की बात कर लेते हैं। क्विक टाइल्स में हमें स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, और एक नई चीज़ ये रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर ही, वॉइस रिकॉर्डिंग का, और ये AOD का ऑप्शन मिल जाता है। AOD इसके बता दें जल्दी जल्दी कैसी है। AOD देखें दोस्तों, इस तरह की इसकी AOD या लॉक स्क्रीन जैसी, लॉक स्क्रीन जो स्टाइल होगा वही आएगी इसकी AOD। उसके बाद इतना और कुछ खास नहीं है, और ना FPS काउंट मिलता है, ना CPU इनफो मिल जाता है, FPS काउंट नहीं मिलता। और डार्क थीम को भी है ऊपर ऐड कर लेते हैं, डार्क थीम इसमें प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इसका GF बिल्ड है दोस्तों, ये बिल्ड GF है, पर इसमें दो ये देखें गैलरी जैसे आपको AOS पे गैलरी मिलेगी, ये GF की बिल्ड, तो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐप्स में कुछ ये बस एक एक्स्ट्रा दो तीन ऐप्स मिलती हैं। उसके बाद लॉन्चर में बात कर ले, लॉन्चर पर हमें यहाँ लॉन्चर में यहाँ पर लॉन्चर का लॉन्चर मिल जाता है। तो उसका मैं कोई सेटिंग वोटिंग नहीं छेड़ूंगा, बस जो है अब वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इसकी ये वॉलपेपर की बात करें, तो दोस्तों अगर लॉन्चर का लॉन्चर इस्तेमाल हुआ हो तो यहाँ पर नीचे वो नहीं आते, उसे सेटिंग से जाके चेंज करने पड़ते हैं। और वॉलपेपर्स भी बस ये देखें, ये ब्लूम वाला ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तो ये ना मुझे लॉन्चर का लॉन्चर पसंद नहीं है, पिक्सल लॉन्चर अच्छा रहता है, उससे और भी चीज़ें मिल जाती हैं फ़ोन को कस्टमाइज़ करने के लिए। तो उसके बाद हम सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाके इसका कस्टमाइजेशन मेन्यू एक। तो सेटिंग में जाके मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसा इसका लुक है, ऐसा सिंपल है इसका लुक है। और सेटिंग में डिस्प्ले में जाके देखते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इतने खास कुछ भी नहीं है। और नीचे जब वॉलपेपर स्टाइल में जाके देखेंगे तो यहाँ से आएगा नीचे डार्क थीम का ऑप्शन, और ऐप ग्रेड भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ऊपर डिस्प्ले में जाके कुछ इतना खास नहीं है, तो इसमें से आप वॉलपेपर जाके देखें तो वो ब्लूम का ऑप्शन इसमें से भी नहीं आता है। और ऊपर ये जो साइबेरिया सेटिंग लिखा है, इसका यूएसमाइजेशन सेटिंग है। ऊपर USB कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इतना नहीं पता नहीं, एक दिया हुआ है। और यहाँ से बटन में जाकर इनेबल एडवांस को एक्सेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को, तो आपके दो तीन चीज़ें चेंज कर सकते हैं। डायलर में भी एक उन्होंने ऑप्शन दिया गया है। और पैनल में जाकर स्टेटस वगैरह में देखें तो यहाँ से आप थोड़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बैटरी की आइकन को चेंज कर सकते हैं, बैटरी पर्सन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, 4G आइकन का ऑप्शन दिया गया है। और नव बार में जाके आप इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, अगर आप ये बटन रखे हुए हैं तो यहाँ से आप जाकर वाइब्रेशन भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। गैसर में जाके देखें तो यहाँ पर एक 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा स्वाइप वाला, वो आप देख सकते हैं अगर आपने ऑन करना है तो। नहीं, नीचे डबल टैप टू स्लीपर और डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन दिया गया है। और गेमिंग मोड भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ से नीचे ऐप को भी ऐड कर सकते हैं कोई भी। और लॉक स्क्रीन की UI की कस्टमाइजेशन में आपको हमें स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिल जाता है। उसके बाद नीचे फ़ोन को चेंज कर सकते हैं, और आइकन पैक चेंज करने से ऊपर स्टेटस बार के आइकन है इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। और आप डाटा और वाईफाई का सिग्नल भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साइबेरिया एक्सपीरिया रखा हुआ है, एक्सपीरिया काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद है। तो यहाँ से आप जाके जो कलर चेंज करते हैं स्क्रीन की, या सेंड कलर इसको कह लें, और लॉक स्क्रीन में जाके आप दो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपने करनी है, जैसे आप मीडिया भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब और साइबेरिया टीम को आपसे क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाएगा कि दोस्तों इसका कौन कौन सा डिवेलपर कौन कौन सी डिवाइस को लेकर बैठा हुआ, उसके लिए बनाता है। तो इसके अबाउट में जाके देखें तो बोर्ड में जाके एंड्रॉयड 12 के साथ ये बिल्ड आती है। ये बिल्ड दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है, तो अब इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कोई वैसे बग शक नहीं है, एंड्रॉयड 12 पे बेस करती है ये। और साइबेरिया वर्जन 5.2 है इसका। ऊपर नीचे जाके देखें तो यहाँ पर चेंज लॉक का ऑप्शन भी दिया गया है, ये नई चीज़ है। इसके में बताएगा कि इस अपडेट में क्या क्या नया है, पुरानी में क्या गया था। मैं हाँ से और ऊपर ना रेडियो इन्फो में ओपन होता है पर चलता नहीं है, बिल्ड नंबर कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन पहले से ही ऑन है। तो यहाँ पर यहाँ गैस सेटिंग में जाके आप गैस सिस्टम में जाके गैस को चेंज कर सकते हैं। और नीचे आके ना डेवलपर ऑप्शन में कुछ भी इतना खास नहीं मिलता है, बस आप USB डिबगिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कुछ नहीं है दिख लें नीचे, और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद नीचे ये एक सिस्टम UI ट्यूनर भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S7 की पिछले CS रोम में आया था, पर इसमें वर्क नहीं कर रहा। तो इसकी ये था इसका कस्टमाइजेशन मेन्यू। अब कैमरे में ASP कैमरा मिल जाता है, और कुछ इतना खास नहीं है। और ये दोस्तों के मेट लॉग है, यहाँ से सारे जितने भी लॉग हैं ना वो सारे यहाँ पर शो। ये लॉग डेवलपर के लिए सिर्फ वर्किंग होते हैं, हमारे पास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही था कि इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो Redmi 7A के लिए अपडेट्स और भी इस चैनल पर आती रहेंगी। तो एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो।